सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुराई ढूंढने का शौक है तो खुद से शुरुआत कीजिए, दूसरों से नहीं। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिला है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। कर्मों के परिणाम किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छा मिले। आज का पंचांग 1 मई 2023 दिन सोमवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 10:10 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:51 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। आप सभी को मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। धनुराशि 1 मई 2023 दिन सोमवार, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पैसा शायद आपके लिए अभी बड़ी जरूरत है। उधार संबंधित समस्याओं को सुलझाएं और कर्ज करने की उधार संबंधी समस्याओं को सुलझाएं और खर्च करने के बजाय पैसा बचाएं। अंकल का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में आराम महसूस करेंगे। आप अपने काम में परिवर्तन करेंगे जिसके कारण समृद्धि और विकास होगा। आज अपने भाई बहन या ससुराल के सदस्यों के साथ भावनात्मक संबंध बन सकते हैं। लोगों को अपने कौशल और उपलब्धियों के बारे में बताना एक अच्छा विचार है। सफल आदमी बनने के बजाय एक महत्वपूर्ण आदमी बनने की सोचिए। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात से सुकून मिलेगा। बैंकिंग और निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। समय कुछ अच्छी उपलब्धियां देने वाला रहेगा, इसका भरपूर सदुपयोग करें। जीवन के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है और इसे बिगड़ने न दें। अन्य लोगों पर निर्भर रहना सही नहीं है। अपनी समस्या खुद ही हल करें। यदि आप प्रॉपर्टी या किसी अन्य बड़े निवेश के लिए विचार कर रहे हैं तो निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें। काम की जगह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, इसे स्वीकार जरूर करें। अविवाहित लोग काम के जरिए अपनी जीवन साथी से मिल पाएंगे। सावधानियां, छोटी मोटी निगेटिव बातों को नजरअंदाज करें क्योंकि भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। समय थोड़ा सावधानी से बिताएं। हर काम गंभीरता से करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार वालों के साथ बातचीत होने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उन्हें उपहार देना ना भूलें, जैसे कोई आभूषण या अन्य पसंदीदा चीज। वैसे इन महंगी चीजों की जगह आपके चेहरे की एक मुस्कान भी कहर ढा सकती है। रोमांस के लिए आज का समय अनुरूपता और खुशियों से भरा है। आज कोई खास रिश्ता बनेगा और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज रिश्ता जीवन भर का भी हो सकता है, इसलिए खास ख्याल रखें। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल वालों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। बस अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। बात करते हैं करियर की। बैंक या वित्त पेशे से जुड़े व्यक्ति के लिए आज का समय शुभ है। अभी कार्यस्थल पर नई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत की संभावना है। पिता या शिक्षकों पर आए संकट के कारण यात्रा में विलंब हो सकता है। आज जो भी विकल्प आपके पास है वे आपके लिए बेहद लाभदायक है। आज आपके व्यक्तिगत कार्य समीकरण में कुछ बदलाव आएंगे जो आपके लिए समृद्धि या विकास का कारण बन सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहें और जाने की पक्की दोस्ती आपसी शेयरिंग और रुचियों से होती है। विदेश जाने का योग भी बन सकता है। आप कौन सा काम करने में सक्षम हैं आज लोगों को बताकर जागरूक करें। बात करते हैं सेहत की। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपको मानसिक सुकून और राहत मिलेगी। मेडिटेशन करें।
गले की खराश और खांसी की तकलीफ भी बढ़ सकती है। आज का उपाय, आशब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।